एम्पायर का नाम है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी एस्टैब्लिशेस देयर पावर। तो सबसे पहले रिकॉल करते हैं हम अपने पिछले वीडियो को कि पिछले वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था। तो देखिए बेसिकली पिछले वीडियो में हमने देखा था टीपू सुल्तान की स्टोरी कि कैसे जो ब्रिटिशर्स है और जो टीपू सुल्तान है उनकी लड़ाई होती है, ठीक है, किस तरीके से टीपू सुल्तान हारते हैं, ठीक है, कैसे वो राजा बनते हैं, ये सब जो हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। ओके, और आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है वॉर विद मराठास, यानी कि मराठास के साथ लड़ाई। ठीक है, अब देखिए मराठास के साथ लड़ाई कौन करता है, तो अभी हम लोग ब्रिटिशर्स के बारे में बात करें तो यानी ब्रिटिशर्स और मराठास के जो है बीच में लड़ाई होता है। तो देखिए पिछले वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था कि मराठास ने जो है ब्रिटिशर्स का हेल्प किया था टीपू सुल्तान को हराने में, जाते ना बोला था जो है निजाम ऑफ हैदराबाद और मराठास, ठीक है। तो मराठास को तो यही लगता था कि जो ब्रिटिशर्स है वो क्या है हम लोग के दोस्त है, ठीक है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि कब जो है वो हमें धोखा दे देंगे, ठीक है। अब देखिए अब तक हमने क्या पढ़ा है कि जो ब्रिटिशर्स है उन्होंने जो है बंगाल के पास भी जो उन्होंने जो अपना पूरा एक तरह से एम्पायर खड़ा कर दिया, ठीक है, रूल अपना बना लिया। उसके बाद फिर मैसूर में भी क्या कर लिया अपना उन्होंने जो है रूल बना लिया, ठीक है। अब उनको जो है यही एक बड़ा एम्पायर दिख रहा था मराठास। ओके, उस टाइम पे मराठास जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल भी था। ओके, तो देखिए अगर हम बात करें मराठास की तो मराठास जो है एक पावरफुल जो है रूलर था। और देखिए लेट 18th सेंचुरी में, ओके, यानी कि 18th सेंचुरी खत्म होते होते जो है क्या वो ब्रिटिशर्स ने जो है मराठास को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया। ओके, यानी कि लड़ाई करना स्टार्ट कर दिया मराठास के साथ। ओके, अब देखिए जो मराठास के साथ लड़ाई किया था, ठीक है, तो उस लड़ाई का नाम था द बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। तो देखिए ये कौन सा पानीपत था, तो ये तीसरा पानीपत था, यानी कि देखिए इससे पहले भी दो ऐसे जो है वॉर हुए हैं जिसका जो नाम पानीपत है, ठीक है। एक तो बाबर ने लड़ाई किया था दिल्ली सुल्तान से, ठीक है, तो वो था पहला पानीपत, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ था, अकबर ने भी लड़ाई किया था तो वो दूसरा पानीपत था, और फिर यहाँ पे ब्रिटिशर्स और मराठास ने लड़ाई किया है तो ये क्या है तीसरा पानीपत है, ठीक है, यानी बैटल ऑफ थर्ड पानीपत, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो लड़ाई होता है, तो देखिए मराठास क्या चाहते थे, मराठास ये सोच रहे थे कि जैसे ही हम लोग जो दिल्ली पे जो है कब्जा कर लेंगे, ठीक है, दिल्ली को अपने कब्जे में कर लेंगे, एनेक्स कर लेंगे, तो फिर हम लोग क्या कर पाएंगे, हम लोग ब्रिटिशर्स को जो आसानी से हरा देंगे, ठीक है, क्योंकि दिल्ली की रिसोर्सेस मिल जाएगी, अब देखिए उनका आर्मी भी ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्या होता है कि ब्रिटिशर्स है उनको जो है उससे पहले ही हरा देते हैं और उनका जो सपना होता है वो सपना ही रह जाता है। ओके, तो ब्रिटिशर्स उनको जो हरा देते हैं मराठास को। तो देखिए अगर हम बात करें मराठास की, ठीक है, तो देखिए मराठास में जो ऐसे बहुत सारे रूलर्स आए जो कि जिनका जो बहुत ज़्यादा नाम रहा है, जैसे कि अगर हम बात करें तो छत्रपति शिवाजी। ओके, देखिए छत्रपति शिवाजी को तो आप सबने जाना भी होगा, ठीक है, जानते होंगे आप छत्रपति शिवाजी को, ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे पावरफुल रूलर्स हैं। लेकिन इस टाइम पे क्या होता है, जो मराठास थे वो जो है पार्ट्स में डिवाइड हो गए थे। ओके, वो बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो गए थे और जितने भी पार्ट्स थे उनको जो है कंट्रोल कौन करते थे, उनको कंट्रोल करते थे चीफ्स। ओके, जिसे हम लोग जो है सरदार भी बोलते हैं। ओके, चीफ्स या फिर सरदार, जो भी आपकी मर्जी, जो आप बोल सकते हैं। ओके, तो देखो अगर हम बात करें कुछ ऐसी डायनेस्टी की जो कि मराठास को कंट्रोल कर रहे थे, मतलब सरदार थे एक तरह से, ठीक है, तो जैसे कि पहला हम देखें तो सिंधिया, ठीक है, सिंधिया का एक डायनेस्टी के नाम है जो कि मराठास के एक पार्ट को जो है कंट्रोल कर रहा था। कहाँ पे कंट्रोल कर रहा था, तो जो ग्वालियर, ठीक है। अब देखिए जैसे कि हम देखें सिंधिया को तो जो है यहाँ पे ये रूल किया करते थे, ठीक है, यानी कि ये जो पार्ट है मराठास का यहाँ पे संभाला करते थे, ठीक है, सिंधिया। और जो दूसरा डायनेस्टी है वो है होलकर। ओके, अब देखिए होलकर कहाँ पे रूल किया करते थे, तो होलकर जो है वो इंदौर में रूल किया करते थे, ठीक है। और देखिए होलकर यानी कि जो इधर साइड हम लोग का इंदौर है, ओके, तो होलकर डायनेस्टी हो गया, वो भी एक पार्ट को संभालते थे। और फिर ऐसे हम देखें तो गायकवाड़, ओके, और देखिए गायकवाड़ कहाँ पे जो रूल किया करते थे, तो ये भी एक पार्ट में रूल किया करते थे, ठीक है, कहाँ पे करते थे वो, तो बड़ौदा में। ओके, अब बड़ौदा का है, तो बड़ौदा जो है इधर साइड है, ओके, गुजरात की साइड। ओके, अब देखिए बड़ौदा के बाद फिर आते थे भोसले। ओके, भोसले आते थे, भोसले जो है कहाँ पे रूल करते थे, नागपुर में। ओके, नागपुर में रूल किया करते थे भोसले का, यानी कि इधर साइड जो है हम लोग का नागपुर है। ओके, तो ये जो है डायनेस्टी थी जो कि मराठास को जो जो पार्ट था
उसको जो है कंट्रोल किया करती थी। अब देखिए ये लेकिन सबको मराठास कहा जाता था, भले वो पार्ट्स में थे लेकिन ये सब क्या थे, मिलके मराठास थे। तो देखिए कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि जो जितने भी पार्ट्स हैं वो आपस में ही लड़ाई करना स्टार्ट कर दे, ठीक है, कि जो पहला पार्ट है वो जो है अपना और टेरिटरी बनाने की कोशिश कर रहे, ठीक है, और जो किसी और पार्ट पे हमला कर दे, ठीक है, तो ऐसा ना हो। इसलिए जो ये जितने भी डायनेस्टी है या फिर कहे तो जितने भी जो लोग हैं जो कि पार्ट्स को संभालते हैं, ठीक है, थीके? इनके इनका भी एक हेड होता है जो कौन होता है, पेशवा। ओके, पेशवा जो ये हेड होता है, और देखिए जो पेशवा होता है, ठीक है, वो कहाँ पे मतलब कहाँ से रूल करता है, तो पुणे से रूल करता है, ठीक है, कुछ इस साइड में जो है पुणे से जो पेशवा रूल करता है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि कहाँ मतलब कैसे जो है डिस्ट्रीब्यूट हो गया था मराठा, लेकिन तभी एक हेड था। ओके, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। और देखिए अब जो अगर हम बात करें मराठास की, तो मराठास में जो बहुत सारे फेमस सोल्जर्स भी थे। ओके, यानी कि ऐसे बहुत सारे सिपाही थे जो कि बहुत ज्यादा मजबूत थे और बहुत ज्यादा फेमस भी थे। जैसे कि अगर हम देखें तो हम लोग माधवजी सिंधिया, ओके, ये फेमस क्या थे, फेमस सोल्जर थे। और ऐसे अगर हम देखें तो नाना पदानिस, ठीक है, पदानिस ये क्या थे, ये भी एक क्या थे, फेमस सोल्जर थे। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब देखिए ब्रिटिशर्स को ये पता था कि ये जो मराठास है ये क्या है, बहुत ज्यादा पावरफुल रूलर है, ठीक है, लेकिन उन्होंने कैसे, अब देखिए यहाँ पर सवाल आता है कि बहुत ज्यादा पावरफुल एम्पायर है मराठास, तो उन्होंने जो है हराया कैसे मराठास को, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है। तो देखिए इसके पीछे का एक बड़ा रीजन है कंफ्लिक्ट। ओके, यानी क्या होता था कि मराठास के अंदर में जो कुछ लोग वर्क करते थे जो कि कंफ्लिक्ट करते थे किसी भी चीज पे, जैसे कि मान लीजिए कि कोई आदमी बोलेगा कि मैं राजा बनूंगा, कोई बोलेगा कि मैं बनूंगा, ठीक है, तो ऐसे कंफ्लिक्ट होते जा रहता था, ठीक है, तो ये बात ब्रिटिशर्स को पता चला और फिर उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, लड़ाई करना स्टार्ट कर दिया। ओके, लेकिन ऐसे अगर कोई भी अगर कमजोरी नहीं मिलती मराठा की, तो उसे ब्रिटिशर्स को जो है इनके ऊपर अटैक करके इनको हराना बहुत ज्यादा मुश्किल बात था। ओके, तो देखिए इनका जो है एक तरह से अटैक करना, इनका जो है मैं ये ही मकसद था कि ये क्या करना चाहते थे, अपनी टेरिटरी को जो है बढ़ाना चाहते थे। ओके, तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देखिए जैसे कि अगर हम बात करें ब्रिटिशर्स की, तो यहाँ पे इन्होंने जो रूल करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है, बंगाल के साइड पे, और साथ में जो इधर क्या कर लिया था उन्होंने मैसूर जो है था इधर भी उन्होंने कंट्रोल कर लिया था, और साथ में जो ये मराठाज है, ओके, इनको भी कंट्रोल करने की कोशिश की, ठीक है, इनफैक्ट कंट्रोल कर भी ली थी। ओके, तो आइए अब हम ये जानते हैं कि उन्होंने कंट्रोल किया तो जो उन्होंने लड़ाई भी किया होगा, तो कौन कौन सी लड़ाई जो उन्होंने कब की, ठीक है, तो आइए अब हम ये जानते हैं। तो आइए अब हम ये जान लेते हैं कि जो ब्रिटिशर्स है और जो मराठा है उनकी लड़ाई कब होती है, उसका रिजल्ट क्या निकल के आता है, ठीक है, और जो लास्ट में जो है किसकी जो जीत होती है, ठीक है, तो ये सब जो हम लोग जानते हैं। तो देखिए जो सबसे पहले लड़ाई हुआ था एंग्लो वर्सेस मराठा वॉर का, वो हुआ था 1775 से लेके 1782 तक, ठीक है, यहाँ तक जो लड़ाई हुआ था किसके किसके बीच में, तो एंग्लो वर्सेस मराठा वॉर। तो देखिए जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, एंग्लो हम लोग किस लिए यूज कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स के लिए, ठीक है, एंग्लो वर्सेस मराठा वॉर। हमने अपने पिछले वीडियो में क्या देखा था, एंग्लो वर्सेस मैसूर वॉर, यानी कि उस टाइम पे जो ब्रिटिशर्स थे वो मैसूर के साथ लड़ाई कर रहे थे, ठीक है, तो मैसूर हो गया, ओके, दूसरी तरफ और पहली तरफ क्या हो गया कि एंग्लो हो गया, ठीक है, तो ब्रिटिशर्स के लिए हम लोग यूज करते हैं एंग्लो का, ठीक है, तो उस टाइम पे हमने देखा था अपने पिछले वीडियो में मैसूर के साथ लड़ाई हो रहा था, और अभी किसके साथ लड़ाई हो रहा है, मराठास के साथ। ओके, तो अभी क्या कहा जाएगा, एंग्लोस वर्सेस मराठास वॉर। ओके, तो देखिए एंग्लोस वर्सेस मराठास वॉर हो रहा था, ठीक है, पहला वॉर था ये, कब हुआ था, 1775 से लेके 1782 तक। ओके, तो देखिए अब इसका रिजल्ट क्या निकल के आता है, ठीक है, कि मतलब ये जो पहले लड़ाई हुआ है उसमें कौन जीता कौन हारा, ठीक है, तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि इसमें कोई भी नहीं जीता। जैसे कि हमने क्या देखा था, हमने जब मैसूर के बारे में जाना था टीपू सुल्तान के बारे में, तो उसमें भी जो है पहले वॉर में ऐसे ही हुआ था, ठीक है, तो क्या इसमें जो है कोई जीता नहीं, लेकिन ऐसा देखिए क्या होता है कि जो ब्रिटिशर्स है पहले वॉर में जो उनका घाटा हो गया था, ठीक है, उनकी मिलिट्री जो है कम पड़ गई थी, तो देखिए कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स को भी ये पता चल रहा था कि अगर हम लोग फिर से बहुत जल्दी आके लड़ाई करते हैं, और अगर हम लोग खुद अटैक नहीं करते तो फिर मराठा हम लोग के ऊपर अटैक कर देंगे, ठीक है, तो इनको ऐसा लग रहा था कि अगर हम लोग जल्दी अगर बहुत जल्दी आके लड़ाई होती
होती है तो हम लोग जो है हार जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए क्या हुआ, फिर से यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने अपना दिमाग लगाया, ठीक है। देखिए जैसे कि हमने अपने बहुत सारे वीडियोस में डिस्कस कर रखा है कि जो ब्रिटिशर्स है वो बहुत ज्यादा चालाक थे, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो है उन्होंने जो अपनी चालाकी दिखाई, उन्होंने क्या किया, एक ट्रीटी साइन कराया, ठीक है। कैसी ट्रीटी साइन कराई, तो देखिए एक ऐसे ट्रीटी साइन कराया जिसमें ये लिखा था कि ना ही मराठा या फिर ना ही ब्रिटिशर्स जो है वो एक दूसरे पे जो है लड़ाई जो है अटैक नहीं करेंगे, कब तक, 20 साल तक, ओके। यानी कि 20 साल के अंदर अंदर जो कोई भी चाहे वो मराठा जो वो ब्रिटिशर्स के ऊपर अटैक नहीं करेगा और जो ब्रिटिशर्स है वो भी मराठा के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। तो इन्होंने ये किया क्यों, क्योंकि उनकी जो सेना कम पड़ गई थी। और देखिए उन्होंने ये 20 साल का गैप इसलिए लिया ताकि क्या होता है कि वो जो अपनी सेना जो है फिर से मजबूत कर पाते, फिर से रिबिल्ड कर पाते, ठीक है। तो इसलिए जो उन्होंने 20 साल का जो टाइम लिया, ओके, एक ट्रीटी साइन कराया, ओके। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पे जो मराठा जो है जीतते हुए दिखे हम लोग को, ओके। फिर से जो हम लोग का जो है सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर होता है, ठीक है, कब होता है वो, तो वो 1803 से लेके 1805 तक होता है, ओके। तो देखिए सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर में इसका रिजल्ट क्या निकल के आता है, ठीक है। तो इसका रिजल्ट निकल के ये आता है कि यहाँ पे जो है ब्रिटिशर जो है जीतते हुए दिखते हैं, क्योंकि इन्होंने जो है 20 साल का गैप ले लिया था, इनकी जो है मिलिट्री मजबूत हो गई थी, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि मराठास के जो है कुछ टेरिटरी जो है ले लिया, जैसे कि हम देखें तो आगरा हो गया, ठीक है, उड़ीसा हो गया, ओके, और दिल्ली जो है ना जहाँ पे बहादुर शाह जफर रूल किया करते थे, ठीक है, उसे भी जो है अपने अंडर में ले लिया, ठीक है। तो ये काम किया कब, जब सेकेंड एंग्लो वॉर हो रहा था, ठीक है, एंग्लो मराठा वॉर कब हो रहा था, तो 1803 से लेके 1805 तक, ठीक है। तो ये जो है नंबर्स आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो नंबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए ये हम लोग का पूरा आखिर हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो देखिए इसको आप स्टोरी के थ्रू समझे, ठीक है। ऐसे आप सोचिए कि जो है अभी जो है मैं आपको स्टोरी सुना रहा हूँ और उस हिसाब से जो है आप लेके, और कोई भी इंपॉर्टेंट डेट हो रहा है तो उसे जो है आप नोट कर लीजिए, जिससे जो है आपको और ज़्यादा इजिली जो है समझ में आ जाएगा, ठीक है। और आपको जब भी आप मतलब बोलते हैं तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ तक हमने देख लिया था सेकेंड एंग्लो वॉर में, यहाँ पे ब्रिटिशर्स जो जीते हुए देखे थे, पहले में मराठा जीते हुए देखे, दूसरे में ब्रिटिशर्स, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या होता है, फिर से जो तीसरा एंग्लो मराठा वॉर होता है, ओके, यानी कि कंपनी के बीच में लड़ाई होते हैं, कौन कंपनी, ईस्ट इंडियन कंपनी, ओके, और मराठास के बीच में। तो ये कब से होते हैं, 1817 से लेके 1819 तक, ठीक है, ओके, 1817 से लेके 1819 तक जो है ये चलता है लड़ाई। और इसका रिजल्ट क्या निकल के आता है, तो इसका रिजल्ट फिर से वही निकल के आता है कि जो ब्रिटिशर्स है इस बार क्या करते हैं, वो पूरी तरीके से जो मराठास को हरा देते हैं और जो मराठा की जगह जो अपना रूल इस्टेब्लिश कर देते हैं, ओके। तो देखिए अगर हम देख रहे हैं तो इन्होंने जो है एक ऐसे जो बड़े बड़े एम्पायर थे इंडिया में, ठीक है, उनको जो इन्हें जो है हरा दिया था लगभग लगभग, क्योंकि अब देखिए बंगाल का जो रीजन उन्होंने ले रखा है, ठीक है, नीचे मैसूर एक पावरफुल था उसको भी हरा दिया, ठीक है, और जो मतलब साउथर्न साइड में मैसूर था उसे भी हरा दिया जो पावरफुल था, ठीक है, नॉर्दर्न साइड में कौन थे, मराठा थे, तो उनको भी जो है हरा दिया। यानी कि एक तरह से पूरे इंडिया पे जो रूल धीरे 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 क्या कर रहे हैं, अपना स्टैब्लिश करते जा रहे हैं, ठीक है। और क्यों कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो हम लोग की गलती हो रही है, ठीक है, क्या कर रहे हैं, अपने अपने को ही धोखा दे रहे हैं, ठीक है। हमने क्या देखा था बैटल ऑफ प्लासी में, मीर जाफर क्या था इंडिया का ही था, लेकिन उन्होंने जो उसने क्या किया फॉरनर का साथ दिया और फिर वहाँ पर जो है सिराजुद्दौला हार गए, ओके। और देखिए उसके बाद हमने क्या देखा था कि जब मैसूर के साथ जब लड़ाई हो रहा था तो उन्होंने उसको भी मतलब टीपू सुल्तान को भी किसी ने धोखा दिया था, अपने ने धोखा दिया था, यानी कि इंडियंस ने जो है धोखा दिया था, ठीक है, मराठा और जो है जो हैदराबाद के जो रूलर थे, ठीक है, उन्होंने जो है दिया था। यानी कि ये क्या कर रहे हैं कि जो है इंडियंस को क्या कर रहे हैं, भड़का दे रहे हैं दूसरे इंडियंस के खिलाफ, ठीक है, ये काम कर रहे हैं और फिर ये जीतते रहे, ठीक है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कोई भी इंडियन आखिर हार रहा है तो दूसरे इंडियन की गलती से ही जो यहाँ पे हार रहे हैं। अब देखिए ये हो क्यों रहा है, क्योंकि देखिए पहले किसी को ये पता नहीं था कि जो हम लोग इंडिया है, ठीक है, अब सबको जो अलग अलग स्टेट थे, अलग अलग टेरिटरीज थे, तो क्या बोलते थे कोई भी कि ये इतना जो है मेरा एरिया है, ठीक है, तुम जो है अपना संभालो, ठीक है। और पहले क्या करते थे लोग कि पहले जो एक दूसरे के ऊपर अटैक करते थे कि उनका जो एरिया है वो और बढ़ रहा है, ठीक है। पहले के राजा का मकसद ये होता था कि हम लोग को जो सिर्फ एरिया बढ़ाना है, ठीक है, एरिया बढ़ेगा बस एरिया ही बढ़ेगा, ओके। और फिर यहाँ पे ब्रिटिशर भी ऐसे ही कर रहे थे, ओके। तो यहाँ तक जो आपको समझ में आ गया, ओके। यहाँ पे मराठास का वॉर होता है, मराठास जो है
मतलब एंग्लो जो यानी कि जो ब्रिटिशर्स है वो क्या करते हैं, मराठास के ऊपर जो है कैप्चर कर लेते हैं, उनको एनेक्स कर लेते हैं, मतलब कब्जा कर लेते हैं। और फिर क्या करते हैं कि वहाँ के जो पेशवा रहते हैं, ठीक है, हमने क्या देखा था, सरदार यानी कि जो चीफ्स के जो हेड होते हैं, ठीक है, वो कौन थे, पेशवा थे, ठीक है। तो जो उस टाइम पे जो पेशवा थे उनको क्या करते हैं ब्रिटिशर्स, उनको जो है ट्रांसफर कर देते हैं, ओके। उनको मारते नहीं है ब्रिटिशर्स, क्या करते हैं ट्रांसफर करते हैं, ओके, यानी कि उधर से हटा देते हैं। और फिर कहाँ पे भेजते हैं, मिथुर पे, सॉरी बिथुर पे, ठीक है, बिथुर पे भेजते हैं, ठीक है। अब बिथुर कहाँ है, ओके, तो बिथुर जो है कानपुर में है, ओके। तो इन्हें क्या करते हैं कानपुर में जो है बैठा देते हैं कि आप यहाँ पे रहे, ओके। और जो है ये भी बोलते हैं कि आप जो है एक किसी तरह का कोई रूल नहीं बनाएंगे, ऐसे नहीं है कि जो है आप फिर से क्या करें, फिर से रूल बनाना स्टार्ट करें हम लोगों के खिलाफ, ठीक है। आप कुछ नहीं करेंगे, आपको जो क्या मिलेगा, पेंशन मिलेगा, ओके, हम लोग के द्वारा आपको पेंशन दिया जाएगा। अब देखिए क्या होता है, ये कोई भी आदमी जो है नौकरी से रिटायर्ड होता है, जॉब से, तो उसको भी पेंशन मिलता है, ठीक है। तो ऐसे ही जो यहाँ पे ब्रिटिशर जो इनको पेंशन दे रहे थे कि हम लोग आपको पेंशन देंगे, इससे ही आप अपना पेट पालेंगे, ओके। तो यहाँ तक आपको क्लियर है। तो अब देखिए हम लोग मेन यही कहने का मतलब है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रिटिशर जो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, जीतते जा रहे हैं, ओके। तो इसी के साथ ये जो हम लोग का वीडियो है ये कम्प्लीट होता है। आई होप ये जो वीडियो है ये आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।